हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं खत्म ही नहीं होती, वे किसी न किसी तरह से एक समस्या का हल निकालते हैं कि दूसरी समस्या उनके सर पर आकर बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यह बात समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वह भी अपना जीवन गरीबी में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्चा भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन जीना कितना कठिन होता है, एक समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी ज़िंदगी तो इन समस्याओं को हल करने में ही निकल जाएगी। उसके गाँव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी समस्याएं बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सभी परेशानियां बता दी। सब कुछ सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुँचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हम नदी पार कर लेनी चाहिए, हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के पानी सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। यह सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही ही तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। हमारा जीवन इस नदी की तरह है और हमारी समस्याएं इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा और हमें खुद ही प्रयास करके नदी को पार करना होगा, अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी के सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराओ नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको इन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इन समस्याओं से जितनी दूर भागेंगे ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डट कर इनका सामना करो। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है नवतेज सालार जी ने। आपको इनके चैनल पर मिमिक्री, ब्लॉग्स, वीडियोस और ट्रिप की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है, आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।